स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, ब्रह्मकुटी ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप मैं आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं चैतन्य ज्योति,
शांत स्वरूप। आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में दिव्यालोक, दैवी प्रकाश फैल रहा है। मुझ आत्मा से चहो दिव्य प्रकाश फैल रहा है। स्वयं के आत्मिक स्वरूप का अनुभव ज्योतिर्मय प्रकाश में चेतना का दिव्य कुंज मैं हूं। इस देह को यहीं छोड़, पांच तत्वों के इस शरीर से बाहर, पांच तत्वों की इस दुनिया से परे, आकाश से परे, मैं आत्मा अंतरिक्ष से भी बाहर, पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, आंखों के सम्मुख साक्षात अव्यक्त बाप दादा, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता इस दृष्टि से मैं आत्मा धारण कर रहे हैं।
बाप दादा के मस्तक से शक्तियां निकल मुझ में समा रही है। मैं आत्मा सभी शक्तियों की मालिक बनती जा रही हूं। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। इस संसार की सबसे बड़ी छत्र छाया बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजय बाबा सफलता मूर्त बाबा बाबा ने मेरा हाथ थामा है। बस एक तुमसे प्यार, एक तुम्हारी याद बाबा, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक तेरी ही याद, एक तेरी लगन में मगन, एक तेरी ही सेवा, एक तेरा ही ज्ञान, एक तेरा ही सिखाया हुआ राजयोग, तुमसे सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ बाबा। तुम मेरे सर्वस्व हो, भगवान नई ऊर्जा दे रहा। मैं आत्मा शक्तियों से भर रही हूं। और ऊपर पहुंच के मूल वतन
आत्माओं का घर, निराकार दुनिया। मैं स्वयं निराकार हूं, निर्विकल्प हूं, निर्संकल्प हूं। निर्वाण में हूं। धाम में दिव्य लाल प्रकाश स्वरूप में स्थित मेरा अनादि स्वरूप, चमकता सितारा, सितारों की दुनिया, मणियों का आकार, नीचे उतर रही हूं। सृष्टि का अनादिकाल, कल्प का आदिकाल। मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई। कैसी थी ये सृष्टि, कैसा था ये स्वर्णिम युग, स्वर्गिक जटा, राजप्रसाद, पुष्पक विमानों में विचरण करते देवता है, सतो प्रधान, सोलह कलाओं से युक्त, सर्व गुणों में संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, आत्माभिमानी स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, लंबी आयु, देहभान से अभिमान से परे, मैं सोलह कलाओं से युक्त
देवताओं देवियों और नीचे हजारों वर्ष सतयुग त्रेता के बाद मैं आत्मा द्वापर की शुरुआत में भक्त गुणगान कर रहे हे जगन्माता संहारी रूप शक्ति संपन्न स्वरूप आकर्षक वरदानी साक्षात्कार मूर्त मंदिरों में विराजमान देवता देवी मैं मेरे दर्शन मात्र से भक्तों की जन्म जन्म की प्यास मिट गई। संगम का स्वर्णिम समय जन जन की प्यास मिटी है। भगवान स्वयं आकर मिला संगम पर ब्राह्मण स्वरूप भगवान से मिलन प्रभु प्रेम में आत्मा ओतप्रोत भर गई। इस संगम युग का लक्ष्य मैं आत्मा बाप समान फरिश्ता बन गई हूं। संपूर्ण पवित्रता मेरा श्रृंगार भगवान की श्रेष्ठ रचना मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त दैवी परिवार ईश्वरीय यज्ञ असंख्य सौगाते जीवन खुशियों से भर गया है। स्थूल शरीर को यहीं छोड़ मैं फरिश्ता आकाश में हूं
मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। पांचों तत्व आकाश धरती अग्नि जल वायु शुद्ध हो रहे हैं। इस सृष्टि की परिक्रमा मैं फरिश्ता पवित्रता की किरणें सबको दे रहा हूं। उड़ते उड़ते आकाश में पहुंच गया अरावली की वादियों में। नीचे उतरा मधुवन पावन भूमि पांडव भवन शांति स्तंभ के निकट मैं आत्मा अपने आप को पा रही हूं। मधुवन के श्रेष्ठ वायुमंडल में शांति स्तंभ से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। बच्चे, यदि शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। हिस्ट्री हॉल मैं फरिश्ता निहार रहा हूं। यज्ञ के सभी पूर्वज सबका वरदानी हाथ मेरे सिर पर सभी व्यर्थ समाप्त। और फिर उड़ते हुए बाबा के कमरे में बाप समान की अनुभूति। बाबा की कुटिया में यदि उदास हो जाओ तो
से रूढ़िहान करने कुटिया में आ जा। मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में पवित्रता की खुशबू मुझ में समा रही। इस खुशबू को लेकर मैं आकाश में फिर से मेरे सम्मुख संसार की सभी दुखी आत्माएं उन्हें सुख की किरणें दे रहा हूं। अशांत आत्माएं शांत हो रही, भिखारी आत्माओं में निर्विकार का संकल्प उत्पन्न हो रहा है। मैं फरिश्ता समर्थ फरिश्ता नीचे उतर रहा हूं। मेरा लौकिक घर परिक्रमा पवित्रता सुख और शांति की किरणें सभी आत्माओं पर मुझसे जा रही है। घर का वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, शांत हो रहा है। आत्माओं में प्रभु प्रेम मैं उत्पन्न कर रहा हूं। लौकिक मित्र संबंधी स्वजन प्रभु प्रेम से भर रहे। अब मैं फरिश्ता पहुंच गया विश्व के विभिन्न बाबा के सेवा केंद्रों के ऊपर। असंख्य रूप प्रकट किए हैं मैंने, एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न धीरे धीरे पुनः मैं फरिश्ता स्थूल देह में प्रवेश कर रहा हूं। मन शांत एकाग्र बुद्धि स्थिर
अंतर मन में परम शांति का अनुभव, रिश्ता ब्राह्मण पूज्य देवता और अब मेरा वास्तविक घर परमधाम, घर की याद इस संसार से वैराग्य, मुझे वही जाना है जहां से मैं आत्मा आई थी। वो आवाज से परे की दुनिया, वो निर्वाण मुझे पुकार रहा, मैं आत्मा उस परम धाम की ओर, कैवल्य धाम, मोक्ष धाम, शांति धाम। उस बीज रूप स्थिति का अनुभव, बुद्धि परम धाम में स्थित, आत्मा स्थूल शरीर में विराजमान, स्थूल वतन में और मन परम धाम की अलौकिक शांति का अनुभव, और इसी अनुभव में मैं आत्मा खो रही हूं। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया, आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। प्यार के हम उड़ चले, चले, चले।
मृदुल स्वर में वो बोली, राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आ पुराना जा, सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, आवाज से